तो फाइनली नीम सेट 2024 की डेट अनाउंस कर दी गई है। 8 जून को आपका पेपर होने वाला है, तो टोटल अभी अप्रोक्सीमेटली 90 डेज आपके पास बचे हुए हैं। तो यार आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज 90 डेज का। ये चैलेंज उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है जिनको लग रहा है कि यार मेरी प्रिपरेशन अभी अच्छे से चल नहीं रही है, मुझे डाउट हो रहा है कि यार कौन से टॉपिक करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, मेरी डेली का एक जो रूटीन है वो बन नहीं पा रहा है। और उन स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है ये चैलेंज जिन्होंने यार अभी रिसेंटली ही नीमसेट की प्रिपरेशन करी है या मेरे लास्ट वीडियो को देखकर ही यहाँ पर अभी आए हैं और उन्होंने डिसाइड करा है कि यार मुझे नीमसेट का एग्ज़ाम देना चाहिए। तो यार अभी 2-3 दिन बाद 6 मार्च को इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म जरूर आप फिल कर देना। और नीमसेट के बारे में आपको पूरी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैंने बता दी थी, तो एक बार जरूर उसको आप देख लेना यदि आपने नहीं देखा हो तो। और आपकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको हर एक टॉपिक के 15-15 क्वेश्चन डेली में सेंड करूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। बट आपको ये चैलेंज अच्छे से एक्सेप्ट करना है और इस चीट शीट के अकॉर्डिंग आपको अपनी कंटिन्यूटी बना के रखनी है। और ये चीट शीट बनाने का मेरा टारगेट ये है कि आप में एक अच्छी कंटिन्यूटी बन जाए, तो मस्ट फॉलो दिस चीट शीट। और इस चीट शीट में मैंने आपको जो 90 डेज का जो चैलेंज दिया है उसमें यार मैंने मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक के नेम लिखे हैं और साथ ही साथ में ये भी लिखा है कि आपको इसको कितने दिन में कंप्लीट करना है। और वहाँ पर एक बेस्ट इंडिया के एजुकेटर की आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दिए, जाकर आप वीडियो देख सकते हो और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, सब कुछ आपको इस चीट शीट में अभी पता लग जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो नीमसेट एग्जाम होती है टोटल 1000 मार्क्स की होती है, 120 क्वेश्चन आते हैं और 120 मिनट ही आपके पास रहते हैं। उसमें से 50 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के रहते हैं, 40 क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग के रहते हैं, बाकी बचे 30 क्वेश्चन आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस इंग्लिश के रहते हैं। और देखो यार इसको यदि आपको क्रैक करना है तो आपको वो स्ट्रेटजी अपनाना है जो कि यार मैंने अपने टाइम पर अपनाई थी। जैसे कि मैंने यार आपको बताया था कि यार मैंने नीम सेट के लिए अलग से कहीं से भी प्रिपरेशन नहीं करी थी, जस्ट एक मॉक टेस्ट दिया था ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि यार किस टाइप का इसका पेपर बनता है, ठीक है। बट क्या है कि मेरे 11-12 के यार कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर थे ना, तो इसलिए मेरे को दिक्कत नहीं गई। तो आप ये मत सोचने कि बिना पढ़े ही पास कर ले एग्जाम, ठीक है ना, बिना पढ़े कुछ नहीं होता है, मेहनत आपको करनी रहती है। आज आप मेहनत कर रहे हो तो आज काम नहीं आ रही, तो हो सकता है कि आपको बाद में कहीं ना कहीं काम आ ही जाए, ठीक है। तो बस लगे रहो, कंटिन्यूस मेहनत करते रहो। तो यार आपको क्या करना है, देखो कि यार इस पे मैथमेटिक्स का जो वेटेज रहता है ना ज़्यादा रहता है, 600 नंबर का आपके पास मैथमेटिक्स आता है, 12 नंबर का एक क्वेश्चन होता है मैथमेटिक्स का, और रीजनिंग का 6 नंबर का रहता है, और इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन का शायद 6 नंबर का रहता है, और इंग्लिश का आपके पास 4 नंबर का रहता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा जो टाइम देना है पूरा आपको पास मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे देना है, बाकी आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन और उसके बाद इंग्लिश में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि यार आपको मेन टारगेट यदि आपने इन दोनों पे कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और इसका जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है पूरा आपके पास आईटी जेई 11-12 का ही पूरा सिलेबस है, बस आपको यदि वो टॉपिक नहीं आता है तो वीडियो को देख लेना और क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। यार देखो कि इस 90 डेज के चैलेंज में आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको लिखा है कि डे वन और डे टू में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। तो यार जैसे कि इसमें मैंने आपको लिंक अटैच कर दी है, तो यदि आपको लगता है कि यार ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यार यहाँ पर एक इंडिया के बेस्ट एजुकेटर की मैंने लिंक यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी है, तो लिंक पर जाकर आप वीडियो पूरा देख लेना। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा बहुत आता है ऑलरेडी, फिर भी इस वीडियो को जरूर आप देख लेना, क्योंकि यार हो सकता है कि आप कोई सा कॉन्सेप्ट अगर आप भूल गए हो। और इसी इंटरवल में 1-2 दिन के बीच में जो आपको जो चैलेंज दिया गया है टाइम ड्यूरेशन, उसी में ही आपको लास्ट 3-4 ईयर की जेई मेंस के मैथमेटिक्स के पीवाई को सॉल्व करना है उस टॉपिक के, ठीक है। मैं जेई मेंस की बात कर रहा हूं ना कि नीमसेट की बात कर रहा हूं, क्योंकि जेई मेंस और नीमसेट का सिलेबस बिल्कुल ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, पूरा आपका 11-12 का ही मैथमेटिक्स यहां पर आने वाला है। और उसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं, मार्क्स नाम से एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर के PYQs वगैरह मिल जाएंगे, तो आप कम से कम लास्ट 3-4 ईयर के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना वहाँ पर, ठीक है। फिर अगला जब आपके 2 दिन में चैलेंज कंप्लीट हो जाए तो आपको 3-5 डेज में कॉम्प्लेक्स नंबर का चैलेंज लेना है, वो आप वीडियो लेक्चर देखो और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस उसी टॉपिक की वहाँ से आप कर लो, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है। और मैंने आप सभी के लिए डिसाइड करा है 15 मार्च से एक और चैलेंज, जिसमें यार मैं आपको डेली 10-15 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के मैं भेजने वाला हूँ। और ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया क्योंकि यार मेन चीज होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर द नीम सेट। और यहाँ पर आपके पास देखो यार टाइम ड्यूरेशन जो रहता है 120 मिनट और 120 क्वेश्चन ही आपके पास रहते हैं, तो यार आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो यार आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होना चाहिए। तो यार इस चैलेंज में मैं आपको 15 तारीख से जब तक आपका नीम सेट का पेपर नहीं हो जाए, मतलब कि अगले 70-75 डेज में आपको डेली 10-15 क्वेश्चन में सेंड करूंगा। और ये आपको इसलिए मैं करने वाला हूं कि आपको एक अच्छे से रूटीन बन जाए, यदि आपने इतना कर लिया तो मान के चलो कि आपका 1000 प्लस अच्छे क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस
हो जाएगी। और साथ ही साथ में मैं स्टूडेंट को यहाँ पर गाइड भी करते रहूँगा। और यार ये चैलेंज मैं अजीम ओनली रख रहा हूँ, इसकी जो कॉस्ट प्राइस रखी मैंने 299 रुपीस, मतलब कि बहुत ही कम प्राइस रख ली है अगले 3 महीने के लिए। और ये मैं प्राइस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यार स्टूडेंट को यदि अपन फ्री में देते हैं ना तो उसकी कोई वैल्यू करते नहीं है और ना उसको सीरियस लेते हैं, क्योंकि लास्ट लगभग मैं 4 या 5 साल से मैंने बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व कर लिया है। तो यार यदि आप थोड़ा भी सीरियस हो 1% भी, तो मस्ट टेक दिस चैलेंज। तो यार डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। 15 मार्च से पहले आप रजिस्टर करते हो तो इसकी प्राइस ओनली 299 है, उसके बाद इसकी हो जाएगी 499, ठीक है। तो मस्ट एक्सेप्ट दिस चैलेंज, जहाँ पर आपको मैं 1-to-1 भी गाइड करता जाऊँगा बीच बीच में, यदि आपको कोई भी दिक्कत वगैरह जाए तो, ठीक है। तो चलो ठीक है यार, यदि और ये चीट सीट आपको अपने टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पे तो आपको मिली जाएगी, तो यार आप अपने अकॉर्डिंग भी इस चैनल को एक्सेप्ट कर सकते हो। और बीच में मैंने 2-2 दिन का गैप दिया है ताकि यार आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपके पास हो तो आपको दिक्कत नहीं, उसको आप कर सकते हो। इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि जो PNC जो टॉपिक है थोड़ा सा कहीं स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, तो आप उसको ज़्यादा ना पढ़ते हो स्किप कर सकते हो। वेक्टर 3D के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं NIMCET एग्जाम में और ईजी क्वेश्चन बनते हैं, तो यार इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। 2D के क्वेश्चन भी यहाँ पर आपके पास आते हैं, तो यार जिस सीक्वेंस में मैंने डाला है तो कोशिश करने की, यदि आप कोई भी डाउट वगैरह जा रहा है, यदि कुछ भी समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें, तो यार इस सीक्वेंस को आप फॉलो कर सकते हो, हर एक की आपको यहाँ पर लिंक वगैरह मिल जाएगी। और उसके बाद जब ये चैलेंज आपका कंप्लीट हो जाए मैथमेटिक्स वाला, तो आपको लेना है लॉजिकल रीजनिंग वाले में कुछ नहीं करना है, जो आपके NIMCET के लास्ट के 4-5 ईयर के PYQs वगैरह है वही आपको सोल्व करना है। और इस 12 से 13 से जो दिन का जो ड्यूरेशन मैंने लिखा है लॉजिकल रीजनिंग के लिए, उस ड्यूरेशन में आपको मैथमेटिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है। और उसके लिए मैंने यहाँ पर एक लिंक भी अटैच कर दी कि यार आपको कहाँ से आपको लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 60 से 78 मतलब 3 दिन में आपको कंप्यूटर अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश के लास्ट 3 ईयर के PYQs आप जस्ट आप सोल्व कर लेना, ठीक है। ज़्यादा भी दिमाग इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यदि आप छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। उसके बाद फिर अगले 79-83 डेज तक आपको NIMCET के लास्ट के 5 ईयर के PYQs डेली बेसिस पे सोल्व करना है, ताकि यार आपको पता लग जाए कि किस टाइप का पेपर पैटर्न रहता है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि यार अभी तक जिन लोगों ने NIMCET का पेपर पैटर्न नहीं पता है, तो यार लास्ट ईयर का PYQs का पेपर एक बार देख लेना, ताकि आपको पता लग जाए कि यार किस टाइप का पेपर वगैरह बनता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको लास्ट ईयर के NIMCET की क्लोजिंग रैंक भी दे रखी है और ऑफिशियल वेबसाइट भी इनको दे दिए, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका भी 2-3 दिन में आ जाएगा, तो जस्ट उसको आप फिलअप जरूर कर देना। और ये मस्ट टेक दिस चैलेंज ऑफ आवर डेली 10 से 15 क्वेश्चन वाला, जहाँ पर आपको मैं डेली क्वेश्चन सेंड करूँगा और साथ ही साथ में अच्छे से गाइडेंस वगैरह, ठीक है ना। तो यार आपकी कंटिन्यूटी के लिए सारी चीज़ें मैं रख रहा हूँ, ओके। चलो ऑल द वेरी बेस्ट।